तो बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो चैप्टर नंबर 5 जेएनवी क्लास 6 मैथ्स एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे एलसीएम की क्या होती है और एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, इसकी एब्रिविएशन क्या होती है। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये इसकी एब्रिविएशन है, मतलब इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, एलसीएम होता है कि वो वाला नंबर, ऐसा नंबर जो कि छोटा नंबर हो और दो नंबर में कॉमन हो। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा, एलसीएम ऑफ टू आर मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर ऑफ देम या और बिटवीन देम, मतलब दो नंबर्स उनके बीच में जो कॉमन नंबर होगा और छोटा होगा, दैट नंबर इज कॉल्ड एज एलसीएम ऑफ नंबर। तो अब मैं आपको एग्जांपल पढ़ाऊंगा, उससे आपको इजी पता लग जाएगा। अब देखो, तो हमारे पास एग्जांपल आती है जैसे मल्टीपल्स ऑफ 5 देखते हैं हम। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से आ जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, तो ये जो है 5 के मल्टीपल्स है। उसके बाद सेकंड नंबर हमारे पास आता है मल्टीपल्स ऑफ 6 के ले लो। ठीक है, उसके मल्टीपल्स आते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। अब देखो, अगर आपने इसको भी आगे करना है, इसको भी आगे ले सकते हो। ठीक है, तो आप देखो हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 इज, अब आपने देखना है 5 और 6 के बीच में जो कॉमन मल्टीपल होगा वो आपने लिख देना है, लेकिन छोटा होना चाहिए। तो अब यहां पे देखो, इसमें हमारे पास ये 30 आ जाता है और इसमें भी 30 आ जाता है, बाकी कोई भी जो है वो छोटा नहीं है, तो इसका हमारे पास कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 30 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 इज 30। ठीक है जी, तो ये बेसिक कंसेप्ट है आपका एलसीएम निकालने का। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अच्छा जी, ठीक। अब हमारे पास आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपके पास दो नंबर होंगे, दो नंबर, एक नंबर आता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में हमारे पास दो नंबर होंगे, एक आता है 54 और दूसरा आता है 21। तो सबसे पहले आपने 54 के फैक्टर निकालने हैं, आपको फैक्टर निकालने आते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था,
कि कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। अब 54 के देखो 2 कितने था, 27 था, फिर 3 से 3 कितने था, 9 था, फिर 3 था और 3 1 था। इसके फैक्टर्स आ गए 2 into 3 into 3 into 3 into 1, ठीक है जी। अब आपके पास नेक्स्ट आता है 21, 21 के फैक्टर निकालो, 3 से 3 7 था और 7 1 था, तो 3 into 7। अब सबसे पहले आपने वो नंबर तो लिखना है, कौन सा जो सबसे छोटा होगा, तो LCM आ 54 एंड 21 आर, ठीक है, वो आपने लिखने हैं। तो आप देखो सबसे छोटा, पहले तो हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे ही, चाहे वो कॉमन हो या ना, 2 आया, ठीक है। फिर आप देखो ये आ गया 3 जो दोनों में है, फिर ये 3 और 7, तो ये आपका जो होंगे, ये आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जो नंबर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आता है 378। तो 378 जो होगा 54 और 21 का एलसीएम है, ठीक है। तो अब हम सेकंड मेथड करेंगे इसमें, डिवीजन मेथड। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है एलसीएम के केस में। तो अब हम लोग सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्राइम आपका डिवीजन मेथड है, ठीक है। अच्छा जी, अब डिवीजन मेथड में आपने क्या करना है, इनको इकट्ठे लिख लेना है। लाइक हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो सबसे पहले आपने 2 से करना है, तो 2 18 से 36, 2 कितने से 28 से 56, फिर 2 9 से 18, तो 2 14 से 28, फिर 2 से दोबारा से करेंगे तो 2 7 से 14, फिर 3 से करेंगे 3 से 9 7 वैसे का वैसा, फिर दोबारा से आप 3 से करोगे तो 3 1 सा तो 7 वैसे का, फिर 7 से कर लो तो 1 और 1। आप इसको मल्टीप्लाई बाय करोगे 36 एंड 56 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा कितना, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7। तो अब देखो जब हमने ये किया तो आपके पास 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 is 24, 24 multiply by 3, 72, तो 72 multiply by 7, 7 to the 14, 1 carry, 7 7 सा, 49 और 1, 50, 504 जो होगा, आपका LCM आ जाएगा, division method के केस में, अगर आप 36 और 56 को लेते हो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे HCF, ठीक है। अब HCF क्या होता है, ये थे अभी तक के आपके दो मेथड जो कि LCM और मतलब LCM के बेस थे। अब आपके पास जो ये नेक्स्ट आ रहा है वो है HCF। अब जैसे हमने LCM के एब्रिवेशन देखी थी वैसे ही HCF की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आएगी आपका मीनिंग इसका HCF का। अच्छा जी, अब HCF क्या होता है, क्या आप ये लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन, अ नंबर विच इज greatest and divide 2 or more numbers by itself,
मतलब वो वाला नंबर लेकिन ग्रेटेस्ट होना चाहिए और वो दो या दो से ज्यादा नंबर को डिवाइड करे, लेकिन बड़ा होना चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका पहला मेथड, वो आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास जो नंबर आएगा, एग्जांपल एक आ गया 140, दूसरा आ गया 168 और तीसरा आ गया हमारे पास 224। तो सबसे पहले आप फैक्टर बनाओगे 140 के, 140 के जब फैक्टर बनाओगे इसको 2 से करोगे तो 70, फिर 2 से किया 35, फिर कितने से करोगे आप यहां पे 5 से कर दो, 5 7 सा और 7 1 सा, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट आया 168, 168 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 80, कितना 84, फिर 2 से किया 42, फिर 2 से किया 21, फिर 3 से करोगे 7 और 7 1 सा। फिर नेक्स्ट आता आपका 224, 224 को 2 से करोगे तो 112, फिर 2 से करते हो तो कितना आता है 25 10 और 26 12, फिर 2 से करते हो 27, फिर 3 से करते हो 9, फिर 3 से करते हो 3 और 3 से 1। अब आपके पास 140 के क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है 168, 168 को कैसे करोगे 2 into 2 into 2 into 3 into 7, फिर आता है 224, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, ठीक है, into 1 लगा देना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि 1 जो होता है 1 हर किसी का वेक्टर होता है, 1 लगा देना। अब सबसे पहले आपके पास देख रहे हो कि कॉमन तीनों में क्या आ रहा है 2, तो 2 हमने एक बार लिखा, फिर दोबारा से आपके पास 2 आ गया कॉमन, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखना है जो इन सब में कॉमन होगा, अब सब में कॉमन कौन सा आएगा, ये तो आ गया। फिर उसके बाद आपने ये चीज देखनी है, जैसे मैंने ये वर्क किया था 224, एक मिनट को क्वेश्चन देखूं मैं, ये क्या है, ये 224 है 56, यहाँ पे गलत हुआ ना 56, यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक की है, इसको मैं दोबारा से करता हूँ, ये एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे 224, इसके जो फैक्टर बनाएंगे 2 1 1 2, फिर जब हम 2 से करेंगे, ठीक है, तो 2 से किया तो यहाँ पे आ गया 56, फिर 2 से किया तो 20 कितना आएगा 8, ठीक है, यहाँ पे भी चेक किया था हमने, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14, फिर 2 से करेंगे 7 और 7 1, तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई थी। अब देखो तो 140 के हमारे पास फैक्टर आ गए कितने 2 × 2 × 5 × 7 × 1, फिर 168 के 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 1, फिर 224 यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7, फिर आपने HCF लिखना है और HCF किसका, यहाँ पे देखो आपने ये कॉमन है, एक बार ये कॉमन आ गया, फिर 2, फिर उसके बाद यहां पे देखो आपका कॉमन, ये आ गया आपका कॉमन मल्टीप्लाई बाय 7, 2 to the 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 28, तो 28 जो होगा आपका HCF आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये आपका HCF निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो
अब हम लोग देखेंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, उसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। एचसीएफ यूजिंग डिवीजन मेथड, ठीक है जी। आप देखो, आप हमारे पास नंबर है दो, एक आगे हमारे 45 और 108। तो आपने यहां पे डिवीजन मेथड में कैसे करना है, यहां पे जो बड़ी टर्म होगी उसको आपने अंदर रखना है और छोटी को बाहर, ठीक है, छोटी को बाहर। अब 45 को आप 2 से मल्टीप्लाई बाय करते हो तो आपके पास यहां पे आ जाता है 90, आपके पास बच गया कितना 80। अब जो यहां पे छोटी टर्म थी उसको आपने अंदर लिखना है 45, ठीक है। 18 2 36 कितना बच गया यहां पे 11। अब यहां पे आपने 18 को अंदर लेना है, ठीक है। 11 1 11 कितना आ गया 7, फिर 11 को अंदर लेना है यहां पे, ठीक है। फिर 7 1 7 4 बच गया, फिर 7 को अंदर 4 1 4 3 बच गया, ठीक है। अच्छा, थिंक यहां पे मिस्टेक हो रही है हमारी, एक बार मैं दोबारा चेक कर देता हूं। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कैसे करना है कि यहां पे हमारे पास 108 है और ये 45, 45 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 90, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया 18 बच गया, 45 को हमने अंदर रखा, ठीक है। तो 18 2 36 तो यहां पे आता है 9, यहां पे हमने मिस्टेक की थी, यहां पे 11 लिखा था तो यहां पे 9 आता है। अच्छा, उसके बाद यहां पे 18 को अंदर लिखना है तो 9 2 18, तो ये आपका डिवीजन मेथड है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि जो हमारा एचसीएफ है इस नंबर का, तो इस नंबर का जो हमारे पास इज द लास्ट में बचा हुआ होगा, दैट इज द एचसीएफ ऑफ 45 and 108। तो अब एक और एग्जांपल करेंगे, अब आपके पास नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास 48 144, एंड एक और तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है 576, ठीक है। 48 144 and 576। अब देखो, अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि तीन है, तीन में से दो को चूज करना है, तो आपने यहां पे 144 को अंदर रखना है, 48 को बाहर। अब 48 को अगर आप 2 से करते हो तो आपके पास आता है 96, तो आप 3 से करते हो तो आपके पास क्या आएगा 83 83 24, टू कैरी 12 और 2 40। अच्छा, 3 से हमने किया तो हमारे पास आ गया 144, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ही बचा। अब आपने क्या करना है, इस 48 को उठाना है, इस 48 को आपने बाहर रखना है और इसको सॉल्व करना है, या ऐसे भी कर सकते हो, सबसे बड़ा, सबसे बड़े को पहले ले लो, यहां पे क्या आ गया 576, ठीक है, 144 को बाहर, तो 144 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 3 4 12 3 4 12 1 13 1 कैरी 4 4 13। तो अगर आप इसको 144 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 4 16 1 4 4 16 1 17 1 कैरी 4 1 4 और 1 5। देखो, 144 को 4 से मल्टीप्लाई में किए तो आया आपके पास 576, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि आपके पास यहां पे 0 बचा। अब आपने क्या करना है, इसको उठाया
144 को अंदर रखा तो छोटे को बाहर, तो 48 का आपने क्या किया, 48 को जब मल्टीप्लाई बाय करते हो 48 मल्टीप्लाई बाय 3 किया था तो हमारा आया था 144, तो 48 3 से किया तो 144 आया, तो आपके पास 0, तो HCF आपके पास क्या आ जाएगा 48, ठीक है जी। HCF ऑफ 48 144 एंड 576 इज 48। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5th था, और चैप्टर नंबर 5th का ये बेसिक था, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।